अलवर जिले के टपुकड़ा में पुलिस और गौ तस्करों का आमना सामना हो गया। इस दौरान गौ तस्करों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस ने एक गौ तस्कर सद्दाम को पकड़ लिया और गौ तस्करों से 15 गौ वंश मुक्त कराए गए। पुलिस के अनुसार कुछ गौ तस्कर अंधेरी का लाभ उठाते हुए भागने में कामयाब रहे, जिनकी पुलिस ने पहचान कर ली है। गौ तस्कर गौ वंश को कच्चे रास्ते से गौकशी के लिए हरियाणा लेकर जा रहे थे। मुक्त कराए गए 15 गौ वंशों को खुशखेड़ा स्थित श्री कृष्ण गौशाला भेजा गया है। वहीं घायल पुलिस कर्मियों का उपचार किया गया है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि शातिर कच्चे रास्ते से गौ तस्करी की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। वहीं पुलिस भी लगातार तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर रही है। मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ गौ तस्कर खोरी तक के रास्ते से हरियाणा के गोवंश लेके जा रहे हैं, तो इस पर हमने पुलिस टीम को भेजा। वहाँ पर पुलिस को देख कर गौ तस्करों ने पुलिस पर पथराव चालू कर दिया और खान के जरिए भागने का प्रयास करा। तीन चार गौ तस्कर हल्ले का फायदा उठाकर भाग गए और जबकि एक गौ तस्कर को पुलिस ने भरसक प्रयास करके उसको पकड़ लिया। इस कार्रवाई के दौरान दो पुलिसकर्मियों की हल्की चोट आई है, जिनका मेडिकल करवा कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पिछले अरसे में कई बार गौ तस्करों का पुलिस से सामना हो चुका है और इस दौरान कभी गौ तस्करों ने पुलिस पर गोलियां चलाई तो कभी पत्थर बरसाए। ऐसी घटनाएं दर्शाती हैं कि गौ तस्करों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं।